नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज पांडे फिर से आपका स्वागत करता हूं प्रॉपर्टी एक्सपर्ट्स पे। फ्रेंड्स, आज मैं लेके आया हूं आपको पीर मुछला ढकोली, जो सेक्टर 20 पंचकुला के नज़दीक वाला एरिया है। वहां कुछ आप लोगों के कहने से, आप लोगों की क्वेरी के हिसाब से, आप लोग कह रहे थे कुछ मल्टी स्टोरी में देखना है, कुछ हाई राइज में देखना है। तो आज मैं आपको दिखाऊँगा 3 BHK घर और एक 3+1, जो एक 3 BHK के साथ एक सर्वेंट रूम घर। आज ये दो आपको मैं ऑप्शन दिखाने वाला हूँ। मेरे पास ये दोनों कैटेगरी रेडी टू मूव में अवेलेबल हैं। जो हमारे पास फैसिलिटीज़ आएंगी वो रहेंगी क्लब हाउस, एक बहुत ही बड़ा ग्रीन एरिया जिसमें आपके पास स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी बना रहेगा, उसमें जिम एरिया होगा ओपन जैसा आप देख सकते हैं। तो आइए चलो देखते हैं घर पहले। तो फ्रेंड्स, हम आ गए हैं आपके एक खूबसूरत से 3 BHK घर, जो है 1611 स्क्वायर फीट का। इस 1611 स्क्वायर फीट का आज मैं लेआउट दिखाऊंगा आपको कि जब मैंने घर के अंदर एंट्री की है, आप देख रहे हैं एक हैवी वुडन का दरवाज़ा लगा हुआ है। और जब मैं एंटर कर रहा हूँ इस एरिया पे जहाँ मैं खड़ा हूँ, यहाँ से जस्ट मुझे केवल आपका ड्राइंग रूम दिख रहा है। तो मतलब एंट्री पे इतनी प्राइवेसी है कि आपका पूरा फ्लैट एक सेपरेट हो जाता है। अच्छा, जैसे मैं एंटर कर रहा हूँ, एंटर करते आप देख रहे हैं कि एंट्री पे ही वास्तु के हिसाब से कुछ डिज़ाइन करके इंटीरियर लगा दिया है और एक स्टोरेज बना दिया है। यहाँ कुछ आप गमले वगैरह या कुछ भी आप इंटीरियर पार्ट यहाँ रख सकते हैं। तो मैं दिखाऊंगा कि आज की अपनी दीवारों को कैसे सजाया है और कैसे उनको मतलब खाली नहीं रखा गया है। जैसे आप एंट्री से देख रहे हैं स्टार्टिंग में कि दो लाइट्स लगा के इसको प्लेस कर दिया, अब देख रहे हैं तो ये दीवार आपकी भरी भरी लग रही है, क्योंकि यहाँ देखिए एक आपका यहाँ पर एक गमला लग गया है ना, तो ये आपकी पूरी दीवार। उसके बाद मैं जब ड्राइंग रूम में आता हूँ, ड्राइंग रूम में एंट्री करता हूँ, ड्राइंग रूम का साइज 10x20 के लगभग है ये, ओनली ड्राइंग रूम का। ये आपका बिल्कुल बड़ा सा एक टीवी पैनल, मतलब कितना बड़ी बड़ा टीवी लगा लो आप यहाँ पर। और ये स्पेस मिल रही है आपको बालकनी में जाने के लिए, मतलब आपका यहाँ पर 8-10 सीटर सोफा लग जाएगा। मैं आपको दिखाना चाहूँगा पहले इसकी फॉल सीलिंग, जो कंसीड लाइट्स इसमें लगी हुई हैं और चारों तरफ आप देख रहे हैं लाइट्स लगी हैं। और ये जो शैंडलियर लगा है ये अलग डिज़ाइन का, ये तो और मतलब रौनक बढ़ा रहा है इस ड्राइंग रूम की। अब इसके बाद कर्टन्स आ गए, कर्टन्स के बाद हमारा रास्ता जाता है बालकनी के लिए। ये आ गई इसकी एक खूबसूरत सी और खुली डुली एक शानदार बालकनी। ये बालकनी की कनेक्टिविटी हमारी किचन से और एक बेडरूम से और होने वाली है, वो फर्दर आप वीडियो में बने आगे रहिए, तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये थी हमारी ग्रैंड बालकनी। अब मैं आपको लेके चलता हूँ वापस इस घर के अंदर, आइए। आपका कोई गेस्ट बैठा है तो वो आपकी बालकनी बहुत अच्छी एंजॉय कर सकता है, मतलब इतनी खुली डुली बालकनी है। फ्रेंड्स, अब जब हम आगे आ रहे हैं इस घर में, मैं आपको दिखाना चाहूँगा आगे कि इसका डाइनिंग एरिया। आप देख रहे हैं डाइनिंग यहाँ पर लगा हुआ है, किंग साइज डाइनिंग लगा हुआ है, 6 सीटर लगा हुआ है और एक इसका सेपरेट स्पेस है, एक सेपरेट स्पेस है। और जस्ट इसके सामने इसका किचन, अब देखिए डाइनिंग किचन के बाहर बिल्कुल आ गई और ये पूरा स्पेस हो गया मूव होने के लिए मेरे पास। अगर मैं किचन से आ रहा हूँ किसी रूम में जाना है, मेरे पास पूरा स्पेस है। और जो आप मेरी ये डाइनिंग के बाद स्पेस देख रहे हैं, इस स्पेस को आप कैसे भी यूटिलाइज कर लें। यहाँ पर वैसे क्रॉकरी कैबिनेट आपकी बहुत अच्छी बन जाएगी यहाँ पर, बट अभी जैसे इसको हमने भर दिया है, इस दीवार को एक स्टोरेज बना दी और एक पेंटिंग लगा दी है ना। अब हम चलते हैं इसके किचन में। अब ये देखिए एंटर करते ही आपकी मेरे राइट साइड में अगर आप देख रहे हैं तो ये आपका एक हैवी आपका फ्रिज यहाँ पर बड़े साइज का लग जाएगा, स्पेस बनी है। एंट्री पर ही आपकी ड्राई पेंट्री आ गई, यहाँ आपके इलेक्ट्रिक अप्लाइसेंस जो आपने रखने हैं वो आप रख सकते हैं। तो ये आपके वेजिटेबल बास्केट्स, फ्रूट बास्केट आपके नीचे लगे हुए हैं। अब आगे हम आगे देखेंगे कि इसकी स्टोरेज कैसी है। ये देखिए ये स्टोरेज आ गई आपकी। पूरा किचन खोल के दिखाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लेडीज़ को जितनी भी होती है उनको किचन से बहुत प्यार होता है। ये देखिए सॉफ्ट क्लोजर है, ये आपकी हैवी आपने कोई स्टोरेज करनी है ना,
तो ये पूरी स्पेस आपको मैंने दिखाई। अब आ गया इसका वेट एरिया, डबल सिंक के साथ इसकी अपने बर्तनों के लिए स्टोरेज आ गई आपकी। ये देखिए एक एक्स्ट्रा स्पेस आ गई और नीचे आपकी पूरी स्पेस है यहाँ पर, है ना। अब ये देखिए इस किचन में बाहर का जो मैंने आपको बालकनी दिखाई थी, ये मैं आ गया उसी बालकनी में दोबारा से। अब यहाँ पर आपका इलेक्ट्रिक पॉइंट्स दिया हुआ है और इसमें आप अपना वॉशिंग मशीन अगर यहाँ इस बालकनी में लगाना चाहते हैं तो आपकी वॉशिंग मशीन भी आपकी इस बालकनी में लग जाएगी। और ये जो आप देख रहे हैं आगे, ये हमारा थर्ड बेडरूम है, बट लेके अभी मैं अंदर से लेके जाऊँगा आपको इस बेडरूम में, तो अभी चलते हैं हम लोग दोबारा से घर के अंदर। आइए, अब जब हम किचन से बाहर आ गए हैं, किचन से बाहर आने के बाद अब हमारे बेडरूम्स की बारी है। तो अभी तक हमने कोई बेडरूम नहीं देखा, अब मैं सबसे पहले दिखाता हूं आपको मास्टर बेडरूम। आइए पहले मास्टर बेडरूम देखते हैं, जिसकी बालकनी में अभी आपसे डिस्कस कर रहा था। ये आ गया फ्रेंड्स 11x15 का लगभग आपका मास्टर बेडरूम। एक अच्छा स्पेस बेडरूम का, एक अच्छे साइज का बेड, एक अच्छा सा वुड का इंटीरियर। आप देख सकते हैं कि इसकी फॉल सीलिंग कितनी प्यारी है, ये रूम ही बहुत प्यारा लग रहा है। अब मैं आपको दिखाऊंगा ये हेड, देखिए बेड का कितना मैच कर रहा है ना इसके साथ, मतलब स्पेस पूरी है यहाँ भी 4 फुट की। उसके बाद आपका ये नए डिज़ाइन के कबर्ड्स हैं जो हाइड्रोलिक्स हैं, ये सारे हाइड्रोलिक कबर्ड्स हैं, देख रहे हैं आप। अब ये आ गया आपका टीवी पैनल, ये एक नया ही लुक दे रहा है ना, ग्लास लगा हुआ है पीछे, इसके वुड है और नीचे इसकी स्टोरेज आ गई। और ये बालकनी जो मैं अभी आपको दिखा रहा था वहां जाने का रास्ता, ठीक है। तो ये आ गया हमारा मास्टर बेडरूम का वॉशरूम। वॉशरूम में आप देखिए सारी प्रीमियम फिटिंग है, जैगवार की फिटिंग लगाई हुई है इसके अंदर। टाइल्स वर्क का आप काम देखिए, टाइल्स वर्क की फिनिशिंग बहुत अच्छी लग रही है। अब मैं दिखाऊंगा आपको, जैसे कि हमारे ना हर बेडरूम में जो वॉशरूम है उनके टाइल्स का कलर चेंज किया हुआ है। जैसे एग्जांपल तौर पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जैसे हम ये हमारे पैसेज एरिया में जो कॉमन वॉशरूम है, इसको हम जैसे हमारा ये दूसरा रूम आ गया बेडरूम, तो इससे भी कनेक्टिविटी आ गई आपकी और बेडरूम से भी कनेक्टिविटी आ गई। तो जैसे आप देख रहे हैं इसका स्पेस है ना, और कलर कॉम्बिनेशन थोड़ा सा चेंज हो गया है वॉशरूम का दूसरे वाले वॉशरूम के अकॉर्डिंग। जब हम अपने सेकंड बेडरूम में आप एंटर करेंगे ना, तो इसका साइज़ फ्रेंड्स 11x13 का होने वाला है और इसकी अपनी पर्सनल बालकनी होने वाली है। तो ये रही इसकी पर्सनल बालकनी। ये आ गई बालकनी, ये आ गई इसकी पर्सनल बालकनी सेकंड बेडरूम की। इसको आप गेस्ट बेडरूम बना सकते हैं। स्पेस वाइज मैंने आपको बताया इसका कि 11x13 का साइज़ है और इसमें अलमीरा भी फुल साइज़ लगी हुई है, ऊपर एक पर्सनल स्टोरेज दी हुई है, बाकी आपके अलमीरा में आपकी इसके अंदर अच्छी स्टोरेज लगाई हुई है, नीचे भी है। काफ़ी ग्लॉसी लुक, काफ़ी अच्छा लग रहा है इसका। इसकी एक वेंटिलेशन इस रूम की ये आ जाती है, यहाँ आपकी एक विंडो आ गई, यहाँ आपकी सनलाइट भी आपको आ जाएगी, तो फुल वेंटिलेशन रहने वाली है इस घर के अंदर। और अब इसके बाद मैं आपको लेके जाने वाला हूँ अपने थर्ड बेडरूम में। अब हम चलेंगे थर्ड बेडरूम, जिसका साइज़ लगभग जैसा बेडरूम अभी हमने देखा उसके लगभग उसके सेम साइज़ का है, 11x13 का। साइज़ वाइज आप देख सकते हैं बेडरूम सारे खुले डुले बने हुए हैं, स्टोरेज सब में दी हुई है, आप देख रहे हैं कबर्ड्स लगे हुए हैं। अब इसके बाद आप देखें इसका कितना प्यारा बेड है, ये कितना अच्छा इंटीरियर किया हुआ है वुडन के साथ, और वुडन के साथ इंटीरियर करके एक साथ में प्लांट भी लगाया हुआ है, और उसके ऊपर जो लाइट पड़ रही है ना वो बहुत ही मतलब अलग से लुक दे रही है, तो जैसे लग रहा है कि आपका बेडरूम कितना ही खुला हुआ है। ये फॉल सीलिंग मैंने दिखाया फ्रेंड्स कि फॉल सीलिंग सब में कंप्लीट रहेगी पूरे घर के अंदर आपके। और इसकी एक खासियत है इस रूम की कि इसकी अपनी पर्सनल बालकनी इसकी अलग से, ये देखिए ये इसकी एक अच्छी खुली डुली बालकनी है। आइए ये दिखाता हूँ मैं, तो ये स्पेस होने वाला है आपकी तीसरी बालकनी का। अब जब मैं यहाँ से वापस अपने बेडरूम में जाता हूँ, तो ये मेरी विंडो जहाँ से मेरा एग्जिट आया
बालकनी का, उसके बाद आप देखेंगे इसका वॉशरूम। वॉशरूम देखिए प्रीमियम इसकी फिटिंग है, और इसका ड्राई और वेट एरिया दोनों सेपरेट किया हुआ है, तो प्रीमियम बाथरूम बना हुआ है। अच्छा, उसके बाद देखिए ये एक वॉल थी, ये जरूरी थी दिखानी मुझे कि यहाँ पर आप देखिए कैसे इस वॉल को सजा सकते हैं। मतलब हर कॉर्नर में कुछ ना कुछ आइडियाज़ मिल जाते हैं हम लोगों को। तो यहाँ ऊपर लाइट लगी हुई है, और यहाँ पर आप अपनी कोई बड़ी सी एक फ़ोटो लगा के इस दीवार को आप भर सकते हैं, बहुत प्यारी लगने वाली है। फ्रेंड्स, आई होप कि आपको आज मेरा ये छोटी सी कोशिश पसंद आई हो। तो इंडोर तो मैंने आपको दिखा दिया, अब मैं आपको लेके चल रहा हूँ आउटडोर में। तो फ्रेंड्स चलते हैं आउटडोर देखने, आइए प्लीज़। तो फ्रेंड्स जैसे मैंने बताया कि हमारे पास एक इन्वेंट्री और होने वाली है 3+1, उसका साइज़ होगा 1721 स्क्वायर फिट। तो जैसा अभी आपने फ्लैट देखा है ऐसा एक फ्लैट होगा, प्लस अब जो ये एरिया देख रहे हैं यहाँ पर आपकी उस रूम की एक्स्ट्रा एंट्री आ जाएगी। जो इसका साइज़ होने वाला है सर्वेंट रूम का, वो होगा 10x8 का लगभग, और उसकी एंट्री होगी यहाँ से। तो 3 BHK जैसा आपने देखा सेम वैसा, प्लस सर्वेंट रूम उसके साथ अटैच उसका वॉशरूम हो जाएगा। ठीक है, अब मैं दिखाता हूँ आपको आउटडोर से, आइए। तो फ्रेंड्स ये देखिए हम आ गए अपने आउटडोर के अंदर। यहाँ आप देख रहे हैं सोसाइटी में आप बीचों बीच एक 1.5 एकड़ का गार्डन, और ये बिल्कुल आप देख रहे हैं कि पेड़ पौधे सारे लगा चुके हैं, इसके अंदर ग्रास आ गई है, अच्छा सा मेंटेन किया हुआ है, एक अच्छा सा जॉगिंग ट्रैक है चारों तरफ इसके। ये कॉर्नर प्लेइंग जोन बनाया हुआ है छोटे बच्चों के लिए, और आप देखें कि अलग अलग तरह से यहाँ बच्चों के लिए हमने ये झूले लगा दिए हैं। इसके अलावा आपको ओपन जिम मिल रहा है, बैडमिंटन कोर्ट मिल रहा है, बास्केटबॉल कोर्ट मिल रहा है, और आपको सारी एमिनिटीज़ सारी फैसिलिटीज़ आपको मिलने वाली है यहाँ पर। अगर मैं एमिनिटीज़ की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर एक आपको एक लग्जरी सेगमेंट का आपको क्लब हाउस मिलने वाला है। ऐसा क्लब हाउस इस पूरे एरिया में आपको नहीं दिखेगा, काफ़ी लग्जरी सेगमेंट में वहाँ पर आपका जिम, आपका बैंक्वेट हॉल, आपका स्विमिंग पूल, ऐसा सब कुछ होने वाला है। बाकी सिक्योरिटी वाइज 3 टायर सिक्योरिटी है यहाँ पर। हमारे घर के बड़े बुजुर्गों का पूरा ध्यान रखा गया है यहाँ पर, प्लेइंग एरिया सिटिंग एरिया उसी हिसाब से मैनेज करके बनाया हुआ है यहाँ पर। बाकी फ्रेंड्स मेरी वीडियोज़ ऐसे ही आपको लगातार मिलती रहेंगी। ये घर जो भी देख रहे हैं 65 से 70 के बीच में 3 BHK, वो ज़रूर एक बार आके देखें। बस ऐसे ही प्यार बना के रखें। नमस्कार, धन्यवाद।